इन्फिनिक्स सीरी 10 प्रो फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल में बहुत ही सस्ते में मिल रहा है, क्योंकि सारे ऑफर लगाने के बाद ये फोन 18,999 रुपीस में मिलता है। और इस मौके का फायदा तो आप लेना चाहते हो, लेकिन आपको पता नहीं है इन्फिनिक्स सीरी 10 प्रो में क्या क्या कमियां है। इस फोन को मैंने खुद के पैसे से परचेस किया और 2 महीने तक लगातार इसको यूज किया। मुझे बताए दोस्तों इस फोन में क्या क्या कमियां है। आज इस वीडियो में इन्फिनिक्स सीटी 10 प्रो का एक ऑनेस्ट रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करूंगा, उसी के साथ इसका सारे प्रोस एंड कॉन्स के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। अगर आप ये फोन लेने के लिए प्लानिंग कर रहे हो तो ये वीडियो थोड़ा टाइम देकर देख लीजिए। तो रिव्यू शुरुआत करते हैं इस फोन की सबसे बड़ा हाईलाइटेड फीचर से, क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस से। इसमें डायमेंसिटी 8050 चिपसेट है, मेरे टेस्टिंग में 7 लाख प्लस अंतुदु स्कोर निकल कर आया है। इसका अंतुदु स्कोर जैसे ज्यादा है, डे टू लाइफ यूज में इसका परफॉर्मेंस भी बेहतरीन निकल कर आता है। इतने दिनों से मैं यूज कर रहा हूँ, एक बार भी ये फोन हैंग नहीं किया है। डे टू लाइफ यूज में अगर आप फोन को थोड़ा हेवी में यूज करते हो तो ये फोन आपको कभी भी निराश नहीं करेगा। इसका ऐप ओपनिंग देखकर आप अंजत लगा सकते हो इसका प्रोसेसर कितना पावरफुल है। आप देख सकते हो ऐप ओपन ऐप क्लोज में जो एनिमेशन है वो भी स्मूथ मिलता है। खैर दोस्तों, एक लौता सा फोन है अंडर 20,000 रुपीस में, बीजे में जैसा गेम 90 FPS में चलता है। सिर्फ नाम का 90 FPS नहीं है दोस्तों, इसमें जो जायरो मिलता है वो भी स्मूथ है। 90 FPS आप घंटे तक गेम खेलोगे तो लगातार आपको मिलता रहेगा। हाँ, मीडियाटेक का चिपसेट जब हिट होता है तब हल्का सा परफॉर्मेंस ड्रॉप करता है, और इस फोन में थोड़ी बहुत हीटिंग इशू भी देखने को मिल जाएगा। बाकी तो इसमें LPDDR4X का रैम है, रैम मैनेजमेंट भी इसमें धासु मिलता है। ओवरऑल दोस्तों, अगर आप प्रो गेमर हो, अगर आप फोन को थोड़ा हेवी में यूज करते हो, ये फोन आपके लिए सबसे अच्छा होगा। इसमें जो कैमरा मिलता है पीछे की तरफ, वो शानदार फोटो खींच लेता है दोस्तों। हाँ, सारे फोटो में आपको कलर बूस्टेड हल्का देखने को मिल जाएगा, लेकिन अच्छा डिटेलिंग के साथ फोटो कैप्चर करता है। मैं कुछ फोटो जूम करके दिखा रहा हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हो पर डिटेलिंग कितना अच्छा आ रहा है। बाकी फोन स्किन टोन को तो ठीक ठाक तरीके से मैनेज कर रहा है, और भी बेटर हो सकता था। यहाँ पर फेस में भी अच्छा डिटेलिंग आता है, और ये फोन हर लाइटिंग सिचुएशन पर ब्राइट फोटो क्लिक करता है। इसमें जो सेल्फी कैमरा मिलता है वो भी धांसु फोटो निकाल कर देता है दोस्तों। बैक कैमरे की तरह स्किन टोन यहाँ पर भी सेम देखने को मिल जाएगा, डिटेलिंग के साथ फोटो को भी कैप्चर करता है। मैंने कुछ फोटो में नोटिस किया दोस्तों, पीछे की तरफ जो डायनेमिक रेंज है, इनकी जो स्काई का कलर है वो पूरी की पूरी व्हाइट कर देता है। जब आप पोर्ट्रेट मोड में फोटो क्लिक करोगे, HD डिटेक्शन को बहुत ही अच्छी तरीके से मैनेज कर लेता है दोस्तों। इसकी कैमरा में तो वॉइस नहीं है, और ये फोन अल्ट्रावाइड सेंसर के साथ नहीं आता है। ये दो फीचर्स अगर आपको चाहिए तो ये फोन आपके लिए नहीं है दोस्तों। खैर, इसकी बैक कैमरा से आप 4K में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, सेल्फी कैमरा से आप 2K में वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो। देखो, बैक कैमरा में वॉइस नहीं है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर स्टेबल वीडियो रिकॉर्ड नहीं करता है। और बैक कैमरा में वीडियो में जो ऑटो फोकस है वो बहुत ज्यादा स्लो है दोस्तों। एक गेमिंग फोन है, गेमिंग फोन में अच्छा कैमरा तो नहीं मिलता है, इसमें आपको एवरेज कैमरा मिलेगा, और थोड़ी बहुत आपको कैमरा में कॉम्प्रोमाइज भी करना होगा। लेकिन दोस्तों, ये फोन एक ट्रूली 5G फोन है, इसमें सारे मल्टीपल 5G बैंड्स का सपोर्ट है, 4G प्लस भी कंटिन्यू रहता है। क्योंकि जब आप ऑनलाइन मूवी देखोगे या गेम प्ले करोगे, नेटवर्क का इशू बहुत ही कम मिलने वाला है। ऐसे में इसमें ड्यूल माइक है, नॉइस को बहुत ही अच्छी तरीके से कैंसिलिंग कर लेता है, और इसमें जो डायलर मिलता है आप चुपके से कॉल रिकॉर्डिंग भी कर पाओगे। ये फोन पीछे से देखने में काफी प्रीमियम लगता है, क्योंकि इसका बैक पैनल ट्रांसपेरेंट बैक जैसा फील देता है, जैसे नथिंग फोन 1, नथिंग फोन 2 में देखने को मिलता है। ऐसे आपको इसमें ट्रांसपेरेंट बैक देखने को मिल जाएगा। इसके बैक में कलर चेंजिंग का फीचर्स भी मिलता है, जब यूवी लाइट पड़ता है कलर चेंज होता है। और ये फोन एक प्रीमियम डिजाइन के साथ आता है, इसका डिजाइन आपको पसंद आएगा। लेकिन इसका फ्रेम जो है वो थोड़ा सा मोटा है, फोन 191 ग्राम तक पहुंच जाता है। हाथों में थोड़ा सा भारी फील होगा पहले पहले, लेकिन यूज करते करते आपका आदत पड़ जाएगा। इसका बैक पैनल बहुत ज्यादा मजबूत है दोस्तों, पॉलीकार्बोनेट का बना हुआ है, इसमें क्रैशेस नहीं आता है, फिंगरप्रिंट का निशान भी नहीं आता है। फ्रंट साइड से देखोगे, सेंटर पिंच होल है, बेजल और चेन चारों तरफ से आपको छोटा मिल जाएगा। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, जो हर बार एक्यूरेट और फास्ट काम करता है, और इसका पोजिशन भी मुझे ठीक ठाक लगा है। खैर, इसमें आप SD कार्ड को भी यूज कर पाओगे। इसकी बिल्ड क्वालिटी को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए इसमें IP53 का रेटिंग डाल दिया है, क्योंकि ये जो फोन है छोटा मोटा वाटरप्रूफ फोन है। खैर, इसमें एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, और एमोलेड डिस्प्ले में जब आप मूवी देखोगे, देखने का जो मजा है वो नेक्स्ट लेवल हो जाता है। ऐसे में इसमें आप फुल व्यू डिस्प्ले का मजा ले सकते हो। बेजल चेन छोटा रखा है,
यहाँ पर कलर एक्यूरेसी भी बहुत ही अच्छा आता है। यूट्यूब पर आप 4K में HDR कंटेंट देख सकते हो, यहाँ पर अटकता नहीं है, स्मूथ प्ले हो रहा है। इसमें जो 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है वो हर ऐप में काम करता है। ब्राइटनेस भी अच्छा रखा है, इंडोर पर आउटडोर पर डायरेक्ट सनलाइट में बिना कोई दिक्कत के इसको यूज कर सकते हो। इस फोन में मूवी देखने का मजा दोगुना हो जाता है सिर्फ इसके स्पीकर की वजह से। इसमें डुअल स्टीरियो स्पीकर है, आउटपुट बहुत ही अच्छा निकल कर आता है। लेकिन एक बात याद में रखना, फुल वॉल्यूम में इसका बैक पैनल थोड़ा सा वाइब्रेट करता है। हाल फिलहाल में ये फोन लेटेस्ट एंड्रॉइड 13 में रन हो रहा है और इसमें XOS 13 है। इसमें 1 साल का एंड्रॉइड अपडेट और 2 साल का सिक्योरिटी पैच अपडेट मिलेगा। अगर इसमें और 1 साल का एंड्रॉइड अपडेट मिलता तो अच्छी बात होता। खैर, इसमें जो OS मिलता है वो बहुत ही अच्छा है। इसमें एड्स वगैरह नहीं आता है दोस्तों, प्री इंस्टॉल ऐप भी नहीं है, बहुत ही अच्छा सा OS है। इसमें ढेर सारे फीचर्स मिलता है, डे टू लाइफ यूज में एक यूजर को जो सारे फीचर्स की जरूरत है इसकी OS में मिल ही जाएगा। ये फोन OTG को सपोर्ट करता है, NFC जैसा फीचर्स इसमें भी मिलेगा। इसका जो 5000 mAh का बैटरी 45 वाट के एडाप्टर से चार्ज करोगे तो फुल चार्ज होने के लिए 57 मिनट के आसपास में टाइम लेता है। चार्जिंग के टाइम में भी ये फोन हल्का सा गर्म होता है, लेकिन दोस्तों इसका बैटरी बैकअप को सुपर मिलेगा। हाँ, 5G नेटवर्क में आइडियल बैटरी ड्रेन थोड़ा सा होता है, लेकिन इसको अगर आप फुल चार्ज करके 5G नेटवर्क में नॉर्मल यूज करते हो तो एक दिन का बैटरी बैकअप निकाल कर दे देगा। लेकिन दोस्तों आप मेन मुद्दे की बात करते, क्या इसको BBD सेल में खरीदना चाहिए? दोस्तों BBD सेल में इसका प्राइस जो निकल कर आया है उसके हिसाब से देखा जाए तो इस फोन में बहुत ही कम कॉन्स मिलता है। इसका कैमरा में और थोड़ा इम्प्रूवमेंट करना चाहिए था, जैसे कि इसकी वीडियो में ऑटो फोकस वो थोड़ा सा स्लो है और सेल्फी कैमरा में डायनेमिक रेंज को अच्छी तरीके से मैनेज नहीं करता है। बाकी इसमें थोड़ा सा हीटिंग इशू देखने को मिलेगा। ये दो मेजर प्रॉब्लम इस फोन में मुझे मिला है। ये छोड़कर देखा जाए तो ये फोन एक अच्छा डिजाइन के साथ आता है, डिस्प्ले का क्वालिटी भी जबरदस्त है, बैटरी बैकअप भी अच्छा मिलता है और एक लौता सा फोन है जो अंडर 20,000 rupees में VGA जैसा गेम आप 90 FPS में खेल पाओगे। इसलिए तो मैं रिकमेंड करूंगा इस फोन को आप फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल में खरीदो और ये फोन आपके लिए वैल्यू फॉर मनी होगा। दोस्तों मैंने तो ऑनेस्टली बता दिया इन्फिनिक्स CT10 Pro कैसा है। आप भी ऑनेस्टली एक काम कर दीजिए, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। हो सके तो ये वीडियो आपके दोस्त के साथ शेयर कर देना, उसका और हमारा दोनों का मदद हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों।